एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो हम आ चुके हैं दीव में और ये जगह मॉनसून में बहुत अच्छी लग रही है। ये वीडियो शायद आप थोड़ा लेट देखोगे यूट्यूब चैनल पे, बट या वी आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर 2 डेज और मैं आई हूँ यहाँ पे मेरे भाई के साथ। सो बेसिकली वी आर एट दी फर्न टेंट रिसोर्ट एट दीव। वी आर होस्टेड हियर और ये हमारा टेंट है फॉर 2 डेज। इट इज़ नियर बाई द बीच और बहुत ही अच्छा व्यू है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रही है। सो लेट्स सी कितना घूम पाते हैं हम लोग। अंटिल देन लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। तो ये टेंट रिसॉर्ट है और यहाँ पे आपको सारे टेंट्स देखने मिल जाएंगे जो बहुत ही फर्म है, आई मीन स्टर्डी। तो बाहर से वुड के बने हुए हैं पर स्ट्रक्चर पूरा ऐसे टेंट का दिया हुआ है। एंड अम्यूनिटीज़ में आपको मिल जाएगा रेफ्रिजरेटर अलॉन्ग विथ AC, TV, यहाँ पे थोड़ा खाने का सामान है अलॉन्ग विथ टी एंड कॉफ़ी। एंड दिस इज़ द बाथरूम। प्रॉपर्टी की बात करें तो नीट एंड क्लीन तो है एंड इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर होटल रूम्स। एंड पूरा वो टिपिकल टेंट भी नहीं है तो मज़ा तो आएगा। लेट्स सी आगे आगे होता है क्या। यहाँ पे 2 बुकलेट्स, एक में है मेन्यू, एक में है टूरिस्ट गाइड रिलेटेड थिंग्स और थोड़ा थोड़ा फ़र्न के बारे में भी है। जैसे कि ये है रूम के रिलेटेड थिंग्स, कितने रूम्स है, कैसे टाइप के रूम्स है, और इसमें थोड़ी डिटेल्स है जो दिखा रहा है कि नियर बाई प्लेसेस कौन सी है जहाँ पर आप घूम सकते हो। तो हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ब्रेकफास्ट तो हो रहा है, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि थोड़ा घूमने जाए। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा निकले हम जाने के लिए गंगेश्वर महादेव, बट अनफॉर्चुनेटली इट स्टार्टेड रेनिंग तो वी आर वेटिंग कि कब बारिश बंद हो। तो ये मंदिर बीच के बहुत ही नज़दीक है, मतलब बीच का पानी यहाँ पे आता है एंड देर इज़ अ स्टोरी, ऑफ कोर्स अ स्टोरी बिहाइंड दिस। और यहाँ पे 5 शिवलिंग है, एक नहीं है, तो कुछ पांडव के रिलेटेड कोई स्टोरी है यहाँ की एंड आई नीड टू गूगल दैट, मुझे भी नहीं पता। और बारिश में भी यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। बैक एट दी रूम और हमने सोचा था थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे बट बारिश की वजह से हम कहीं पे नहीं जा पाए। अभी हम थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने निकले हैं। हाय निर्मित। आई डोंट थिंक सो कि हम स्विमिंग पूल में जा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बारिश की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते। तो हम आ चुके हैं जिम में, थोड़े क्लिप्स शूट करने थे, रील में डालने थे इसलिए। सो या किलिंग आवर टाइम। जिम में हार्डली 15 मिनट्स किल किए और उसके बाद हम आ चुके हैं अभी गेम जोन में। बहुत सारे गेम्स के ऑप्शन है यहाँ पे, थोड़े गेम्स हमने भी खेल लिए और बारिश हो रही थी तो वी आस्क फॉर अम्ब्रेला क्योंकि हमें टेंट तक जाना था, तो वो आ रहा था और तब तक हम यहाँ पे खेल रहे थे गेम। तो हम सोच रहे हैं कि अब डायरेक्टली हम लंच के लिए जाए और लंच में हमने मंचाव सूप नूडल्स खाया था एंड द फूड हियर इज़ वेरी गुड। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ व्हाट एक्चुअली दिस सी व्यू। बहुत बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं एंड so it's 4:30 and we are still in the room. hi kai nahi varsad vadyo
दिस हैपेंड. एक्चुअली हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे घूमने, बट वी आर सो अनलकी, रेन्स आर नॉट स्टॉपिंग. सो या इट फील्स लाइक हम घर पर ही है, खाना खाते हैं, फोन देखते हैं एंड दैट्स इट. टाइम इज नॉट गोइंग. आई एक्चुअली लव दिस बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस. थोड़ा बहुत तो सिटी एक्सप्लोर करना था. सो या आई एम अ रेन पर्सन और मुझे ऐसा ग्लूमी वेदर बहुत अच्छा लगता है. एट टाइम्स इट सक्स बट एट टाइम्स इट फील्स गुड. तो मैंने थोड़ा यहाँ पे वेदर इन्जॉय किया, थोड़े सॉन्ग्स सुने एंड सच प्रिटी वेदर एंड गुड सॉन्ग्स इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन. तो थोड़ा मज़ा आया. आई हैड माई मी टाइम हियर सिटिंग अलोन. लेट्स सी व्हाट माय ब्रदर इज डूइंग. ट्रेजिडी हैपन. तो मुझे लगा कि मेरे से कीज़ बाहर रह गई है, बट ऐसा नहीं था. डोर जैम हो चुका था बारिश की वजह से, बट फॉर्चुनेट इनफ खुल गया. उसके बाद हमने सोचा टीवी देखते हैं, पर बारिश की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं था. टोटली हम बोर हो रहे थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास. फिर थोड़ा हम प्रॉपर्टी घूमने निकले. चलते चलते हम आ गए रेस्टोरेंट पे एंड इट्स डिनर टाइम. तो हमने सोचा कि डिनर कर ही लेते हैं. वी ऑर्डर्ड पनीर और यहाँ का पनीर बहुत अच्छा है. एंड नॉट ओनली पनीर पर सारे फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है. तो यहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं. हमने सिर्फ वेज ट्राई किया था. डन विद द डिनर और बहुत ही फुलफिलिंग डिनर था. And now we are going to sleep. Good morning and it's the next day. Fortunately बारिश थोड़े टाइम रुकी है, तो हम सोच रहे हैं कि बीच पे जाके आए. I am a beach person और बीच से दूर तो I cannot stay for longer time. अभी हम सोच रहे हैं कि वेदर थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा है और बारिश भी बढ़ रही है एज़ टाइम पासिस ऑन. तो हम सोच रहे हैं कि अर्ली चेकआउट कर ले एंड वी शुड गो फॉर आर लाइक लीव फॉर आर होम. तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्पा भी मिला था, बट हमारे पास टाइम नहीं था. वी नीड टू लीव अर्ली. पर हमको थोड़े ऐसे शॉर्ट्स लेने थे, क्लिप्स टू एड इन द रील, तो वो लेने हम आ गए. और बारिश तो एज़ यूजुअल बढ़ ही रही है. वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक इट्स प्रिटी. हम रुक भी सकते थे बट हमारा सडन डिसीजन था एंड वी आर रिग्रेटिंग राइट नाउ, बट इट्स ओके. लोग तो बारिश में भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं. 3 people enjoying in the rain. Wow. तो अब हम आ चुके हैं हमारे लंच के लिए. पेट फुल था पर क्या करें, वी हैड टू हैव दिस. यहाँ का पनीर सच में बहुत अच्छा है. डू ट्राई इट इफ़ यू कम हियर. पनीर ही नहीं बल्कि सारी चीज़ें, मतलब हमने दो बार ब्रेकफास्ट किया, दो बार लंच किया, एक बार डिनर किया. सबका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है यहाँ पे.
ट्रस्ट मी योर स्टे इज गोइंग टू बी अमेजिंग अगर आप यहाँ पे आते हो. यहाँ पे आपको बीच व्यू वाले टेंट रूम्स मिलते हैं एंड हॉस्पिटैलिटी इज वेरी गुड. एक ही कॉल पे आपको सब हेल्प मिल जाएगी. क्लीनलीनेस इज ऑल्सो वेल मेंटेन्ड. तो मैं ऐसे झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. यहाँ पे सच में इट्स वर्थ स्टेइंग हियर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन अनदर वीडियो. अंटिल देन गुड बाय.